हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, अगर आपने कंप्लीट एडवांस ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, बहुत ही बेस्ट प्लेलिस्ट है। 11,167 व्यूज़ अभी तक आ चुके हैं इस पर और 195 वीडियोज़ है। यकीन मानिए, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं 23 घंटे की आपकी एक कम्प्लीट इंडियन कंप्लीट ज्योमेट्री मेंसुरेशन की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। वो जल्दी आपके अपलोड हो जाएगी 1-2 दिन में। इसके अलावा कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री की भी मैंने 15 घंटे की एक वीडियो बनाई है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 15 घंटे की जो वीडियो है एक ही उसमें है। ये इंडियन हिस्ट्री की PDF भी गिवन है, स्टोरी वाइज है, फैक्ट वाइज नहीं है। अब बात कर लेते हैं वीडियो की। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मोस्ट डिमांडिंग वीडियो। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर CGL के थ्रू जो जिसकी पोस्टिंग होती है, तो CGL के थ्रू लगते हैं। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप देखते हैं, कितनी इनहैंड सैलरी है और कितना इसका वो है, बेसिक पे है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो सैलरी स्लिप है, इसमें इसको जो बेसिक मिली हुई है वो कितनी है, 46,200, ठीक है। 46,200 इसको बेसिक मिल रहा है, 46,200, ठीक है। यानी कि इसका जो वो होता है, पे लेवल होता है, वो 44,900 से ही आपका स्टार्ट होता है। और जब आप रिटायरमेंट कर जाते हो, ठीक है, रिटायरमेंट की एज तक ये कितना आपका बेसिक चला जाता है, 1,42,400 रुपये, ठीक है। इतना आपका बेसिक जो है वो चला जाता है, ठीक है। इसकी जो बेसिक अभी इसको मिल रही है वो 46,200 मिली है, यानी कि आपका ये इंक्रीमेंट के बाद है, फर्स्ट ईयर की नहीं है, इंक्रीमेंट के बाद की है ये। उसके ऊपर देखिए डियरेंस अलाउंस मिला हुआ, वो मिला हुआ आपका 17%, यानी कि 46,200 का 17% जब आप करोगे तो ये 7,854 रुपये बनेगा। HRA दिया हुआ है आपको 7392, ठीक है। HRA आपको दिया हुआ है ये, और ये HRA जो होता है वो XYZ सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये जो HRA है, ये बेसिक का निकलता है, ये बेसिक का 16% है। तो बेसिक का 16% है, मतलब ये Y सिटी के लिए है, ठीक है। अब इतनी चीज़ें तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ कैलकुलेट करना। अब आप कोई भी सैलरी स्लिप है उसको देख के बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता लगा सकते हैं, फर्स्ट ईयर की है, HRA कैसे कैलकुलेट होता है, DRS अलाउंस कैसे कैलकुलेट होता है। उसके बाद देखिए इसका जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है वो कितना है, 2,106 रुपये हैं। टोटल इमोल्यूमेंट्स कितना हो जाता है, 63,552 रुपये टोटल इमोल्यूमेंट्स आपकी हो जाती है। उसके बाद कुछ टैक्सेस वगैरह करते हैं। ये आप एम्प्लॉयर टीयर वन देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपका कितना है, 5,405 रुपये है, ठीक है। ये कैसे निकलता है, 10% ऑफ बेसिक प्लस डियरेंस अलाउंस, इसका 10% आपका होता है, प्लस 14% जो गवर्नमेंट है वो आपके खाते में डालती है बेसिक और डियरेंस अलाउंस का। तो अभी ये 10% आपका बेसिक और डियरेंस अलाउंस का, ये एक तरीके की आपकी सेविंग ही है, और ये आपका रिटायरमेंट के बाद लमसम जो अमाउंट बनी है वो आपको मिलेगी, ठीक है। और ये एक तरीके से शेयर मार्केट के पैसे होते हैं, मतलब आपके उसमें लगते हैं शेयर मार्केट में, और इसकी वैल्यू आपकी लास्ट में कम ज़्यादा हो सकती है इसकी वैल्यू, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जितनी अमाउंट बन रही है उतनी आपको एग्जैक्ट मिलेगी, तो ये कम ज़्यादा थोड़ी सी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल टैक्सेस हैं, वो 200 रुपये हैं, और एक आपका ये CGES है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है आपकी, ये 30 रुपये, ठीक है। और ये कैसे कटता है, ये 3:7 में कटता है। 3:0 का मतलब है आपका इन्वेस्टमेंट, और 7:0 का मतलब एक तरीके से आपकी सेविंग हो रही है वो। तो ये टोटल जो गवर्नमेंट रिकवरीज है वो 5,635 रुपये की है। इसके अलावा NG रिकवरीज 0 हैं, तो नेट जो आपकी पे बनी है वो 57,917 रुपये बनी है, ठीक है। इसमें जो इनकम टैक्स का जो है वो नहीं कटा है, तो अगर कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है उसको ये चीज़ पता होगी तो वो बताइए कि इसमें जो इनकम टैक्स है वो लगभग कितना कटता है। हो सकता है इसने अपनी सेविंग करके, इन्वेस्टमेंट करके जो है वो आपकी इंटरनेट की इसकी जो इनकम टैक्स है इसकी सेविंग की हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसने कटवाई ना हो, तो बाकी आप बताइएगा मेरे को कि कितना ये कटता है जो इनकम टैक्स है, तो वो आप मेरे को बताइएगा अगर आपको पता है तो कितना मतलब इसमें कट सकता है। बाकी मेरे को लगता है 2,000 से 2,500 कटना चाहिए, ठीक है। बाकी इसको जो इन हैंड सैलरी मिली है वो आपकी इतनी मिली है, 57,917 प्लस ये लगभग आपका 54,005 है, तो लगभग आपका
ग्यारह साढ़े 11,000 के करीब आपकी क्या हो रही है, सेविंग भी हो रही है। तो यानी कि इसमें आप 11,500 महीने का और ऐड करिए, ठीक है, वही आपकी जो एक तरीके से ग्रोथ सैलरी होगी, ठीक है, इतनी सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए। धन्यवाद।